इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है अजमेर से, जहां पर फंदे पर झूलती हुई मिली है विवाहिता। जी हाँ, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस वक्त मोर्चरी के बाहर पियर और ससुराल पक्ष के लोग आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। डीएसपी छवि शर्मा मोर्चरी के बाहर मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त की अजमेर से, जहां पर फंदे पर विवाहिता झूलती हुई मिली। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इस दौरान पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के लोगों में कहासुनी होती नजर आ रही है। अस्पताल के बाहर, मोर्चरी के बाहर जो दोनों पक्ष हैं वे इस दौरान मौजूद हैं। डीएसपी छवि वहां पर मौजूद है, छवि शर्मा मोर्चरी के बाहर मौजूद है। समझाइश के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से। विवाहिता की आत्महत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उलझते नजर आ रहे हैं दोनों ही पक्ष। पुलिस की तरफ से लगातार समझाइश के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नवीन वैष्णव। नवीन, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी गोग्राम में कल एक विवाहिता का शव फंदे पर झूलते हुए मिला था। परिजन का आरोप था कि जो विवाहिता है उसका पति घर पर आया था और साढ़े चार माह के दूध में बच्चे को उठाकर ले गया और वहीं उनकी बेटी को गला घोट कर मारा और उसके बाद उसे फंदे पर लटका दिया। इसकी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे साथ अजमेर से डीएसपी छवि शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है छवि आपका। छवि, क्या इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? इसके अंदर हमने कल जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है मृतका के चाचा से, उसके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है धारा 304B में और इसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। फिलहाल जो है अपडेट वो ये है कि मेडिकल बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं मृतका का। जी जी, तस्वीरों में मैम हम देख पा रहे हैं कि जो दोनों पक्ष हैं वो आमने सामने भिड़ते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ प्रयास है? नहीं, ये बिल्कुल सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल है। ऐसा कुछ एक मोमेंटरी जो था वो हुआ था, बाकी अभी टोटली अंडर कंट्रोल है। दोनों पक्षों से समझाइश कर दी गई है और अभी शांति बनी हुई है मौके पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस तमाम जानकारी के लिए। आप बता दें कि ये थी हमारे साथ छवि शर्मा, जो कि डीएसपी है अजमेर की, और उनका कहना है कि फिलहाल जो है दोनों पक्षों को शांत कर दिया गया है।